दोस्तों आज की वीडियो का पर्पस इन दोनों कार्स को ऊपर या नीचे दिखाना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड और हम सबको पता है कि जो टाटा पंच है वो एक सेगमेंट नीचे की कार है और जो ब्रेजा है एक सेगमेंट ऊपर की कार है। ब्रेजा का एक्चुअल कॉम्पिटिशन जो है नेक्सॉन से बनता है वैसे तो, बट आप लोगों के काफी जो कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि पंच के भी कुछ ऐसे वेरियंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें एकम्प्लिश आता है जिसमें आपको सनरूफ भी मिलती है, वो अराउंड 9.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है और वहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन कुछ लोगों को आ रही है, उन्हीं के लिए मैंने वीडियो बनाई है। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों कार्स अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्राइस पॉइंट से बेस्ट इन द सेगमेंट है। इनफैक्ट अपनी अपनी कैटेगरीज में टाटा पंच टॉप सेलर है। इनफैक्ट टाटा पंच तो इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार है और अगर हम मारुति ब्रेजा की बात करें तो वो फिलहाल कॉम्पैक्ट एसयूवी की बेस्ट सेलर है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के जो कुछ बचे खुचे डाउट्स होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सो दोस्तों इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि अगर तो देखो आपका बजट ऑलरेडी 7-8 लाख रुपए के बीच में है तो वैसे भी आप टाटा पंच की तरफ ही जाओगे, पर इफ इन केस अगर आप अपना बजट थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं तो क्या ब्रेजा पे जाना थोड़ी ज्यादा समझदारी रहेगी, क्या क्या मेजर डिफरेंसेस आते हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा यहाँ पे इंजन से, क्योंकि इंजन ही एक प्राइम फैक्टर बनता है यहाँ पे सबसे पहले जो इन चीजों को अलग करता है। ब्रेजा में आपको मिलता है 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन, क्योंकि टाटा पंच का जो इंजन है उसमें लाइक उसका कंपैरिजन कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि यार वो एक छोटा इंजन हो जाता है 1.2 लीटर प्लस 3 सिलेंडर। हालांकि टाटा पंच के इंजन की पावर काफी अच्छी है दोस्तों, तो अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से वो ठीक है, पर जब आप 9.5 लाख रुपए का एकम्प्लिश्ड वाला वर्जन लोगे वहां पर थोड़ा सा सोचना बनता है कि यार 9.5 लाख रुपए लगाकर क्या जनरली 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन लेना कोई समझदारी की बात है। अब यहां पर हो सकता है कि कुछ लोग पंच फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो या फिर न्यू बायर्स हो, एक बार को आप लोगों को ज्यादा नहीं पता चलता है, पर जो एक्सपीरियंस्ड बायर है या फिर जो नया बायर कुछ वक्त के बाद पुराना हो जाता है तब ये चीजें आपको रियलाइज होती हैं फॉर श्योर। अब देखिए दोस्तों ऐसा होता है कि एकम्प्लिश में ना आपको मिलते हैं फीचर्स, एलॉय व्हील्स लगे मिल जाते हैं, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम दे देते हैं पंच में आपको, यहाँ पर इनफैक्ट सारे फीचर्स सनरूफ के साथ लगे आते हैं, तो वहां पर क्या होता है ना कंज्यूमर थोड़ा सा ललचा जाता है कि यार देखो यहाँ पर सारी चीजें लगी लगाई मिल रही हैं और काफी पैसा बच रहा है। इन सारी चीजों में कंज्यूमर मेन चीज भूल जाता है वो दोस्तों फर्क कहाँ पड़ता है। अब देखो अगर हम इसे ब्रेजा से कंपेयर करते हैं, ब्रेजा मिलती है आपको बिल्कुल ब्लैंक कार, उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, अलॉय वगैरह कुछ नहीं लगा होता। मेजर डिफरेंस कहाँ है देखो इंजन, क्योंकि अगर आपको कार लंबे समय तक चलानी है 10 साल के अराउंड, 9 साल के अराउंड, 8 साल के अराउंड, तो भाई ब्रेजा का इंजन बहुत कारगर है। दूसरा कार का साइज बढ़ गया, कॉम्पैक्ट एसयूवी में तब्दील हो गए आप और यहाँ पर आपको काफी अच्छा व्हील बेस मिलता है 2500 mm का, जिसकी वजह से अंदर बैठने का जो स्पेस है, शोल्डर रूम, हिप रूम या फिर इवन जो लेग रूम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सब कुछ चेंज हो जाएगा दोस्तों, इवन अगर आप देखोगे कार का जो सस्पेंशन की यूनिट है वो भी चेंज हो जाएगी, यानी कि जब आप हाईवेज पर ड्राइव करते हो तो हाईवेज पर जो कंफर्ट लेवल है, जो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है ड्राइव करने का, वो आपको ब्रेजा में डेफिनेटली पंच से थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग पंच ऑन करते हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर किसी को पंच अच्छी लगती हो, आप पंच से प्यार करते हो, तो मैं यहां पर ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं कि पंच कोई बेकार कार है। देखो पंच अच्छी कार है तभी तो लोग ले रहे हैं, पर इट्स लाइक यू नो जैसे सैमसंग है, अब सैमसंग का S24 भी आता है ना, S23 भी आता है, 20 भी आता है और उनकी लोअर सीरीज भी आती है, कार्स भी कुछ उस तरीके से ही होती है। तो पंच एक अच्छी कार है, पर अगर आप उसको सेम प्राइस में अगर आप थोड़ा सा खर्चा अपना और कर लो, क्योंकि अगर आप एक लेवल ऊपर जाते हो, आप सनरूफ नहीं लेते, मान लो आपका एलॉय नहीं चाहिए और आप ब्रेजा लेकर इंफोटेनमेंट लगवा लेते हो, तो गेम बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। राइडिंग क्वालिटी, ड्राइविंग क्वालिटी, इंजन की पावर, इंजन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है, कार का स्पेस, कैबिन, लुक्स, सब कुछ टोटली चेंज हो जाता है। ब्रेजा में आपको एक्चुअल एसयूवी वाली वाइब आने लग जाएगी। और टाटा पंच में एडवांटेज क्या है दोस्तों, कि टाटा पंच अगर आप लेते हो एकम्प्लिश इतना पैसा लगाकर, देखो अगर तो आपका, मैंने पहले ही कहा एडवांस में कि अगर आप कोई लोअर वेरिएंट लेने की कोशिश कर रहे हो 8 लाख 7 लाख,
तो देखो इतना सोचने की कोई बात ही नहीं है। जबरदस्ती अपना बजट स्ट्रेच मत कीजिए अगर आपको उसके लिए एक्स्ट्रा लोन कराना पड़े और आपको काफी भारी पड़े वो आपकी इनकम के हिसाब से। पर अगर आप स्ट्रेच कर सकते हो बिना बहुत ज्यादा बर्डन डाले तो जरूर इस बारे में सोचना, और खासकर अगर आप एकम्प्लिश लेने वाले थे तो बिल्कुल सोचना। दोस्तों मैं यहाँ पर इनफैक्ट ये भी ऐड करना चाहूंगा कि मैं आपको मेनली ब्रेजा पे पुश नहीं कर रहा, अगर आप चाहो तो इनफैक्ट नेक्सॉन की तरफ भी जा सकते हो। नेक्सॉन भी एक अच्छी कार है, अगर आप पंच पे 9.5 लाख रुपए लगाने की सोच रहे हो तो इवन आप नेक्सॉन की तरफ जाने की भी जरूर सोचना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यार जब हम माइक्रो एसयूवी लेते हैं ना, जैसे ये सारी माइक्रो एसयूवी होती हैं एक्सटर, पंच, काइगर, निसान मैग्नाइट, तो इन पे मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता आप 9.5-10 लाख रुपए लगाओ। दैट्स नॉट एट ऑल वर्थ ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू मी, अनटिल एंड अनलेस कि आप फीचर्स की तरफ इतना ज्यादा आपका रुझान है कि नहीं यार मुझे तो फीचर्स चाहिए ही चाहिए। हमारी फैमिलीज में बच्चे होते हैं सनरूफ देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, एलॉय व्हील्स अच्छे लगते हैं, तो ये सारी जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं बहुत इंप्रेशन तो डालते हैं पर लॉन्ग रन में और वक्त के साथ साथ ज्यादा फीचर इंसान यूज नहीं करता है। अगर आप उन लोगों में से हैं कि यार आपको भी लग सकता है कि यार इतने फीचर मैं क्या यूज करूंगा, इतनी गर्मी है सनरूफ कहाँ खोलोगे, थोड़ा सोच समझ कर फैसला लीजिए। यहाँ पर कुछ भी सही गलत नहीं है दोस्तों कि यार पंच ले ली तो नुकसान हो गया, ब्रेजा ले ली तो क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ माइंड गेम है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं वक्त के साथ समझ में आती हैं। अगर आपको ये फ्यूचर नजर आता है कि यार 3 साल बाद क्या आप अपनी पंच से खुश होंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर आप ब्रेजा, नेक्सॉन या कोई और कॉम्पैक्ट एसयूवी ले लेते हो तो आप 5-7 साल भी उस कार को चला सकते हो हैप्पीली, क्योंकि बेस्ट इन सेगमेंट हो जाती है और काफी अच्छी चीजें मिल रही हैं आपको वहां पे। अब बात कर लेते हैं दोनों कार्स की बिल्ड क्वालिटी की, सेफ्टी की। तो ग्लोबल एनकैप से लास्ट टाइम पंच 5 स्टार लेकर आ गई थी, क्योंकि लेटेस्ट इसका टेस्ट हुआ नहीं है। आई थिंक अब जब पंच की फेसलिफ्ट आएगी तब इसका क्रैश टेस्ट होगा। सो एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, आप चाहे ब्रेजा लो, नेक्सॉन लो, मत लो, पंच के लिए थोड़ा सा रुकना, इसकी फेसलिफ्ट भी आने वाली है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो कार लेकर घर पे आए एक आध महीने बाद ही आपका पड़ोसी अड़ोसी आपके आगे अपनी नई पंच फेसलिफ्ट का शो ऑफ कर रहा हो और आपको काफी अजीब लगेगा कि यार ये क्या हो गया। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, हम देते हैं आपको टाइमली अपडेट्स और वीडियो को जरूर लाइक करना। ब्रेजा की अगर दोस्तों बात करें तो ग्लोबल एनकैप से लास्ट टाइम जो टेस्ट हुआ था तो 4 स्टार लेकर आई थी। सो 1 स्टार का डिफरेंस आता है, बट आप ये कह सकते हैं कि यस थोड़ी स्ट्रांग आपको पंच लग सकती है, पर माइलेज के मामले में दोस्तों ब्रेजा बहुत कारगर है, अच्छी माइलेज निकाल देती है। इनफैक्ट अगर मैं बीइंग माइक्रो एसयूवी वर्सेस कॉम्पैक्ट एसयूवी कंपेयर करता हूं तो ब्रेजा ही शायद एक लौती एसयूवी है जो छोटे इंजन के बराबर माइलेज निकाल देती है। तो हाईवेज पे आराम से 18-17 तक आप माइलेज निकाल सकते हो, शहर में 14-15 के आसपास आप माइलेज निकाल सकते हो, तो कई ज्यादा केसेस में पंच से कभी कभी ज्यादा माइलेज भी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि लॉन्ग रन में क्या रहने वाला है। अगर हम कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस की भी बात करें तो मारुति का कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस अ बिट बेटर एज कंपेयर टू टाटा, तो वहां पर थोड़ा सा आपको अच्छा लग सकता है। ये सब्जेक्टिव चीज है, मैं आपको यहाँ पर पुश नहीं करूंगा। अगर आपके एरिया में आप टाटा के सर्विस सेंटर में कभी गए हो चले जाना, देख लेना, आपको अगर सही लगता हो तो टाटा की तरफ भी चले जाओ, आपकी चॉइस है। बट मैं आपको फीडबैक्स दे रहा हूँ जो मैं लोगों से मिलता रहता है, क्योंकि हमारा इसी बात का ही चैनल है, कार चैनल है। सो हमारे पास फीडबैक्स, ईमेल्स वगैरह आते रहते हैं, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यादा हैप्पीनेस लेवल कस्टमर सर्विस का आपको फिलहाल मारुति में मिल सकता है। सो दोस्तों अगर हम कंक्लूजन की बात करें, मैं एक बार समराइज करना चाहूंगा और एक बार दोबारा आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस वीडियो का पर्पस ये कहना बिल्कुल नहीं था कि पंच एक बेकार कार है। जैसा मैंने आपको मोबाइल का एग्जाम्पल दिया था कि एक मोबाइल दूसरे से बेहतर होता है, उसी तरह जो ब्रेजा है पंच से थोड़ी सी और बेटर हो जाती है। तो अगर आप एकम्प्लिश लेने वाले हो 9.5 लाख रुपए, या तो देखो आपको बहुत ज्यादा मैटर करता है कि यार मुझे सनरूफ वाली ही कार चाहिए, मुझे एलॉय वाले ही टायर्स चाहिए, ये सारी कॉस्मेटिक चीजें फीचर्स अगर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बार को आप राइड कंफर्ट और यू नो बिगर साइज, ये सारी चीजें, बेटर इंजन, आप ये सब कुछ ठुकराना चाहते हो और उसके बाद भी अपनी खुशी खुशी से टाटा की पंच लेना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई गलत डिसीजन नहीं है, क्योंकि यार अगर आप फीचर्स चूज करते हैं तो वो आपकी चॉइस है। वो आने वाले सालों में आप खुद ही रियलाइज करेंगे कि आपने अच्छा फैसला लिया या फिर नहीं। पर अगर आपके लिए चीजें मैटर करती हैं कि यार मुझे एक बड़ा इंजन मिल रहा है, लॉन्ग ड्यूरेबल इंजन मिल रहा है, मुझे अच्छी कस्टमर सर्विस मिलेगी, मुझे सस्पेंशन क्वालिटी बढ़िया हो गई मेरी और मेरी कार का साइज बड़ा हो गया, एसयूवी टाइप हो गया, राइडिंग क्वालिटी सब कुछ चेंज हो गया वहां पे, तो जरूर आप ब्रेजा की तरफ जा सकते हैं या फिर नेक्सॉन की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस बारे में सोचना जरूर वर्थ इट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, देखो शुरुआत में तो खाली 1 लाख रुपए का ही फर्क पड़ रहा है अराउंड, क्योंकि 8 लाख रुपए तक तो फिर भी लोग पंच ले लेते हैं और 9.5 लाख रुपए की ब्रेजा है, पर ब्रेजा की जो रीसेल है बहुत ज्यादा अच्छी है टाटा पंच से। तो जो 1 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो कल को वो रीसेल में भी रिकवर कर सकते हो, तो थोड़ा सा जरूर इस बारे में सोचना दोस्तों कि क्या
मैं एक जो कार ले रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है कार बाइंग का, और अगर आपको पंच ही लेनी है तो भाई कम से कम पंच फेसलिफ्ट का इंतजार कर लेना, पंच फेसलिफ्ट लेना भी कोई बेकार डिसीजन नहीं होने वाला है। सो अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, देखो अगर मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम बायर होता, पहली बार मैं कार खरीद रहा हूँ और शायद मैं इतनी बड़ी कार मैनेज करना या चलाने में मोड़ने में इतना एक्सपर्ट नहीं होता, तो एक बार को मैं शायद पंच फेसलिफ्ट का इंतजार करता और पंच ही ले लेता, क्योंकि यार बिल्ड वगैरह सही मिल रही है और अपनी हाइट का फैक्टर भी आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी हाइट 5'8" है, हालांकि मुझे तो थोड़ी सी बड़ी कार ही पसंद है, पर अगर मैं मैनेज करना चाहता तो मैं पंच के साथ मैनेज कर लेता। पर अगर मैं कोई ऐसा बायर हूँ कि मैं फ्रेश बायर ही हूँ, मैं नया नया ड्राइविंग सीखा हूँ, पर मुझ में कॉन्फिडेंस है कि यार मैं बड़ी कार भी मैनेज कर सकता हूँ और मैं मुझे सनरूफ वगैरह की नीड नहीं है, मैं क्या करूंगा यार, तो मैं पंच को छोड़कर ब्रेजा पे शिफ्ट हो जाता। इनफैक्ट अगर मैं कोई ऐसा बायर होता जिसने पहले ऑलरेडी कोई हैचबैक चलाई हुई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुरानी कोई स्विफ्ट चलाई है, i10 चलाई हुई है, तो मैं बिल्कुल भी पंच नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा, सेम इंजन हो जाता है 1.2 लीटर का, तो मैं डेफिनेटली ब्रेजा या फिर एटलीस्ट कोई और कॉम्पैक्ट SUV 3XO नेक्सॉन इनकी तरफ अपना रुझान करूंगा, जहां पर मुझे थोड़ा बड़ा इंजन मिले और बड़ी कार मिले। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी नेवर सेड कि पंच बेकार कार है या ब्रेजा बहुत अच्छी है, दोनों कार्स अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, तो थोड़ा सा सोच समझकर आप यहाँ पे फैसला लीजिएगा, क्योंकि आपके एक्चुअल नीड्स क्या है वो हमें नहीं पता। फिर भी मैंने कोशिश करी है कि मैं हर एंगल और पैरामीटर से आपको यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करूँ। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।